Hi guys, this is Imanch and we are going to unbox a floor lamp today. And I received this parcel today from eCart, so let's open it. So guys, as you can see, we have opened the box and we got a floor lamp. Firstly, we got some notification or I think it is an installation guide. So this is it. You can read it. I'm opening it further. I have ordered a blue color lamp. It is pretty good. Let me remove it. Just wait guys, I am opening it. So guys, you can see I have opened it and currently ये कुछ ऐसा लग रहा है. मैंने इसे निकाल दिया है और ये ऐसे ही था. So firstly this part will remove. उसके बाद हमारा जो है फ्लोर लैम्प ये शायद लॉक्ड है. So we have to turn it. Okay, we got one more box. Let's see what is inside. ये जो एडिसिव यूज़ किया है फर्स्ट एड एडिसिव है. ये काफ़ी अच्छा है. इट विल नॉट हार्म योर लैम्प. आई थिंक द इस पर कोई स्टिकी स्टिकी सा जो सेलो टेप की वजह से आ जाता है वो टेक्सचर नहीं आएगा. सो लेट्स सी, देयर इज एल ई डी बल्ब, अल्ट्रा लाइट एल ई डी बल्ब 9 वॉट एंड there is a Allen key and some screws for assembling it. So keeping it aside, I am opening it. Okay, so guys, मैंने उस ऊपर वाले पार्ट को ओपन कर दिया है. उसमें कुछ स्क्रूज लगे हुए थे. उसके बाद हमें जो ये लैम्प का कवर है टॉप वाला ये मिलता है. सो दिस विल बी लाइक दिस. मैं थोड़ी देर में इसको असेंबल करके आपको बताता हूँ. So guys, as you can see, there's a tape used in it for locking it. So it will not leave any impressions on the cardboard. I think what is it? Cardboard तो नहीं है ये. Plyboard. Okay. I'm unboxing it. सो गाइज, एज यू कैन सी, ये जो हमारा स्टैंड है ये कुछ इन ये शायद एम डी एफ पेपर बोर्ड है. तो उसी में कुछ ऐसे एडजस्ट रहता है ताकि ये स्टेबल रहे और निकल ना पाए. सो देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इट एंड लेट्स सी. मैं इसको खोल के आपको बताता हूँ. सो हाँ गाइज, इसको ऐसे निकालना है. ये जो सबसे मिडिल में है इस ये ऐसे होता है टिल्टेड. तो इसे हमें स्ट्रेट करना है, इसके अलाइन बीच वाले के अलाइन, और इसे बाहर निकाल लेना है. सो ये बाहर निकल जाएगा ऐसे. वैसे ही ये जो पेपर है इसे हमें निकाल देना है बाहर ऐसे. ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है. बाकी फिर ये जो सेकेंड वाला है इसे निकाल देंगे, फ्रेम को ये रख देंगे. और उसके बाद दिस विल लुक लाइक दिस दिस एंड दिस. सो गाइज, एज यू कैन सी, दिस विल लुक लाइक दिस. दिस इज क्वाइट टॉल. और इसके ऊपर फिर ये. सो मैं आपको थोड़ी देर में इसको असेंबल करके बताता हूँ. सो गाइज, जैसे कि आप देख सकते होंगे इसमें ये फर्स्ट एड टेप यूज़ किया है. ये आपके फ्रेम पे भी इम्प्रेशन नहीं छोड़ेगा. सो ये मुझे अच्छी चीज़ लगी, काफ़ी नीडेड भी है एक्चुअली. सो हम इसे निकाल लेंगे ऐसे. तो कलर बहुत क्लासी है ये. ओके, लेट मी असेंबल इट. सो गाइज, एज यू कैन सी, आई हैव असेंबल्ड इट. और अभी ये पूरी तरीके से असेंबल हो गया है. तो ज़्यादा कुछ नहीं है. यहाँ पे एलन बोल्ट्स हैं 4 के, और ये M4 के एलन बोल्ट्स हैं शायद. तो इसके साथ एक एलन की भी मिलता ही है हमें, तो उसकी हेल्प से हम इसे टाइट कर सकते हैं. उसके बाद ये 4 यहाँ पे और 4 यहाँ पे. उसके बाद ये तीनों असेंबल हो जाएंगे. उसके बाद ये हमारा शेड आ गया. तो इस शेड को इसमें लगाने के लिए पहले इस होल्डर को निकाल देंगे, और उसके बाद इस शेड को हम फिक्स कर सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन. और उसको लगाने के बाद फर्दर मैं आपको और बताता हूँ. सो गाइज, जैसे कि आप सब देख सकते हैं ये फ्लोर लैम्प कुछ ऐसे लग रहा है.
और इट इज़ अ रियल ब्यूटी यार, ये जो शेड का कलर आ रहा है ना, इट इज़ क्वाइट फैंटास्टिक. सो लेट मी स्विच ऑफ द लाइट्स, तो आपको पता चलेगा कि इसका इंटीरियर कितना प्यारा लगता है. सो देखिए गाइस, ये इतना सुंदर लग रहा है आफ्टर स्विचिंग ऑफ द लाइट्स. तो ये घर के इंटीरियर को काफ़ी हद तक बहुत अच्छा बना सकता है. यहाँ पे कुछ डेकोरेटिव पार्ट्स लगा सकते हैं. तो व्हाट इज इट? सो गाइस, एज यू कैन सी हाउ इट इज लुकिंग, इज बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल. सो आप यहाँ पे कुछ शोपीस भी रख सकते हैं, जैसे कि मैंने रखा हुआ दिस दिस दिस, इट्स क्वाइट रिलैक्सिंग. ओके, थैंक यू गाइस. ये एक फ्लो लैम्प की अनबॉक्सिंग छोटी सी, आई नो काफ़ी बड़ी हो गई है, बट आपको इससे एक प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा कि कैसे असेंबल करना है एंड हाउ इट विल लुक. इट इज़ स्प्लेंडेड. ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब. बाय.